नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। रक्षाबंधन पर्व पर इस वर्ष रहेगा भद्रा का साया। माँ पीताम्बरा ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख आचार्य ओम शास्त्री ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर प्रातः काल से ही भद्रा प्रारंभ हो रही है। इसके कारण लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि आखिर राखी के समय बांधना सबसे उत्तम रहेगा। सनातन धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके सुखद भविष्य की कामना करती है और भाई भी बहन की जीवन पर्यंत रक्षा करने का प्रण लेते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 सोमवार को है। इसी दिन सावन मास के आखिरी सोमवार का संयोग भी बन रहा है और प्रातः काल से भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने के समय को लेकर असमंजस की स्थिति है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग करना चाहिए। भद्रा का साया प्रातः 5:52 से दोपहर 1:32 तक रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का शुभ समय दोपहर 1:30 पर प्रारंभ होगा और रात 9:07 तक श्रेष्ठ रहेगा। 19 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में होने के कारण भद्रा का निवास पाताल में रहेगा। फिर भी शास्त्र मान्यताओं के अनुसार भद्रा उपस्थिति में राखी बांधना ठीक नहीं है, इसलिए 19 अगस्त को दोपहर 1:29 पर भद्रा समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और कल राखी बांधने का क्या शुभ समय रहेगा, इस बारे में? जी, कल रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में यह त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार भाई और बहन के एक विश्वास का प्रतीक त्यौहार है। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, जो कि प्रातःकाल लगभग 5:30 से लेकर 1:29 तक भद्रा रहेगी। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ रहता है, इसलिए सभी बहनों से अनुरोध है यह पावन पर्व 1:30 के बाद अपने भाई की कलाई पर समस्त बहनें राखी का त्यौहार प्रेम पूर्वक मनाएं। और इस त्यौहार से हमें संदेश यह मिलता है कि बहन और भाई के विश्वास का यह त्यौहार है, बहुत प्रेम से यह त्यौहार सभी मनाएं।